हेलो एवरीवन दिस इज़ परिधि इन टूडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पोम ऑफ टेंथ स्टैंडर्ड दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर रिटर्न बाय जॉन तो स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा इसका क्या है इस पोम में वो समझते हैं इसका जो टाइटल है इसका मतलब क्या है अ थिंग ऑफ ब्यूटी दैट मीन्स कोई भी ऐसी चीज़ जो खूबसूरत है और उस खूबसूरत चीज़ को देखकर उसकी खूबसूरती को देखकर हम हमेशा खुश होते हैं यहाँ पर जो पोएट है वो नेचर से रिलेट करते हैं पोएम को कि जैसे नेचर है तो आज आपने रोज देखा आज आपने ब्यूटीफुल सा फ्लावर देखा कोई सा भी आज आपको हैप्पीनेस मिली और अगर आप टेन इयर्स के बाद भी उस फ्लावर को मीन्स उस टाइप के दूसरे फ्लावर को या किसी भी फ्लावर को देखते हैं अगेन यू विल बी हैप्पी तो वो जो ब्यूटी है वो जो खूबसूरती है वो हमेशा ही आपको खुशी देती है तो इसी तरह से पोएट कहते हैं जो नेचर है उसकी जो ब्यूटी है वो कभी भी खत्म नहीं होती वो इटरनल है इट नेवर फेड्स अवे और जो हमारे लिए उसका जो लव होता है वो भी कभी ख़त्म नहीं होता एट द सेम टाइम ये हम रिलेशंस के लिए भी ले सकते हैं जैसे हमारे पेरेंट्स या हमारे कोई भी फ्रेंड या कोई भी आपका फैमिली मेम्बर एनी पर्सन अगर आप उसको मींस उससे आप आज प्यार करते हैं जैसे आपकी मदर है आप अपनी मदर को कितना प्यार करते हैं आज तो कल भी आपकी मदर को आप उतना ही लव करेंगे दैट विल बी एवरी टाइम सेम फॉर यू आपका प्यार ऐसा नहीं है कि कल ख़त्म हो जाएगा तो थिंग ऑफ ब्यूटी जो एक्चुअल में ब्यूटी होती है अब यहाँ पर मदर आप फिजिकली नहीं उनका मन देखिए आज आपकी मदर यंग हैं कल वो ओल्ड हो जाएंगी फ्यूचर में वो ठीक है फिजिकल चेंजेस विल कम दैट दैट इज फॉर श्योर लेकिन जो उनका मन है जो अंदर इंटरनल ब्यूटी है जो इंटरनल ब्यूटी है दैट विल एवरी टाइम गिव यू जॉय वो हमेशा आपको हैप्पीनेस देगी सो दिस इज अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर तो सबसे पहले हम देखते हैं जॉन कीट्स के बारे में पढ़ते हैं द टाइमिंग इज गिवन ऑफ इज लाइफ 1795 से 1821 का ड्यूरेशन था उनका ही इज एन इंग्लिश पोएट वॉज वन वर द मोस्ट पॉपुलर ऑफ ऑल ब्रिटिश रोमांटिक पोएट जो सारे रोमांटिक पोएट थे दैट मीन जो नेचर लवर पोएट थे उन सब में सबसे ज़्यादा पॉपुलर जॉइन किट्स माने जाते हैं इस पोम्स आर कैटेगराइज बाय इमेजरी फ्रॉम नेचर दैट अपील टू वन सेंसेस उनकी जो पोम्स हैं उसमें आपको कई जगह ऐसी इमेज दिखेगी जो नेचर से मिली गई हैं और वो आपके सेंसिस को टच करेंगे आपके हार्ट को टच सेंसिस इन द सेंस जो आपके मन को पूरी तरह यहाँ पे टच करेंगे वो नहीं यहाँ पर सेंसेस से मतलब है कि वो आपके हार्ट को टच करेगी द प्रेजेंट पोम इज दस्टा ऑफ लॉन्गर पोम एडिमियन बेस्ड ऑन ग्रीक द फर्स्ट लाइन हैज बिकम प्रोवरबील और ये जो आपके सामने जो पोम है आपकी वो एक फर्स्ट है, सिर्फ फर्स्ट सेंजा है बहुत ही लॉन्ग पोम है एंटीम्योन जिन्होंने लिखी है जो बेस्ड मैथोलॉजी पर बेस्ड है तो उस पोम का सिर्फ एक फर्स्ट एंजा है ये और ये फर्स्ट लाइन जो है इसकी दैट इज़ अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर वो एक काइंड ऑफ प्रोवर्ब बन गया है द पोम वॉज फर्स्ट पब्लिश इन एटीन एटीन तो चलिए शुरुआत करते हैं हम तो थोड़ी सी डीप है सो पे अटेंशन अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर इट्स लवलीनेस इट विल नेवर

कि नेचर की जो ब्यूटी है ज़रूरी नहीं है नेचर देखिए ये उनका पर्सपेक्टिव है ये उनका सोचने का तरीका है ये उनका व्यू है पोइट का तो यहाँ पर जो पोइट कहते हैं थिंग ऑफ ब्यूटी उनके लिए नेचर है हमारे लिए कुछ भी चीज़ हो सकती है तो ऐसी चीज़ जो खूबसूरत है और जिसकी लिटरली वो नेचुरल खूबसूरती है तो वो आपको हमेशा खुशियाँ देगी इट्स लव इंक्रीज उसके प्रति आपका जो लव है दैट विल इंक्रीज एंड इट विल नेवर पास इन टू नथिंगनेस नथिंगनेस का मतलब होता है कि कुछ भी नहीं होना या कम हो जाना तो कभी भी वो ख़त्म नहीं होगी वो जो ब्यूटी है वो कभी ख़त्म नहीं होगी वो कभी भी ज़ीरो नहीं बनेगी बट स्टिल विल कीप अ बार क्वाइट फॉरस बार का मतलब होता है जो शेड होता है जो हमको ट्रीज़ के अंडर मिलती है शेड जहाँ आपको छाया मिलती है जहाँ आप थोड़ा से रिलैक्स हो जाते हो तो वो जो ब्यूटी है दैट मीन्स नेचर यहाँ पर तो नेचर हमें हमेशा ही क्वाइट का मतलब होता है यहाँ पर मीन्स हमें कामनेस देगा हमें पीसफुलनेस देगा जो शेड है जो शेडी प्लेस है जो ट्री के अंदर होती है वो हमेशा हमको कामनेस देगा शांति देगा और स्लीप फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स और ऐसी नींद जिसमें अच्छे ड्रीम्स आएंगे एंड हेल्थ एंड क्वाइट ब्रीथिंग और हेल्थ देगा दैट मीन्स हमें हेल्थी बनाएगा हमारी जो हेल्थ है उसको अच्छा लगेगा और हमारी जो ब्रीथिंग है दैट मीन्स अगेन जो हम सांस लेते हैं तो उससे हमारी हेल्थ अच्छी होती है अगर हम फ्रेश एयर ब्रीथ कर रहे हैं तो हमारी जो हेल्थ होती है वो और इम्प्रूव होती है दैट्स व इट इज़ टोल्ड दैट हमको अर्ली मॉर्निंग वी शुड गेट इट एंड गेट अप एंड वी शुड एटलीस्ट डू समेल एक्सल एक्सरसाइज जिससे हम ब्रीथ को इनहेल कर रहे हैं एक्सेल कर रहे हैं उससे क्या होता है हमारी बॉडी भी अच्छी होती है मेरी हेल्थ अच्छी होती है तो ऐसी शेड हमारी हेल्थ को भी अच्छा करेगी Therefore, and every morrow, are we reading? Morrow का मतलब होता है टूमोरो कल का दिन आने वाला दिन द फॉलोइंग डे तो इसीलिए हर एक दिन वी आर आर वी रेडिंग रेडिंग का मतलब होता है कवर करना या सराउंड करना या उस चीज के आसपास होना व्हाट आर वी रेदिंग क्या रीड करते हैं हम रेडिंग अ फ्लारी बैंड टू बाइंड अर्थ तो हम फ्लारी बैंड फ्लारी बैंड का यहाँ पे मतलब ऐसा गार्डलैंड एक माल एक फूलों को पिरो कर जो माला बनती है वो गार्लैंड होता है तो यहाँ पर भी ये जो बोल रहे हैं फ्लारिंग बैंड तो बैंड यहाँ पर है समथिंग वॉर्न अबाउट द रिस्ट जो आपके रिस्ट के आसपास आप हम पहनते हैं ना फ्रेंडशिप बैंड होता है तो बैंड तो उसी तरह से फ्लावर का एक बैंड बन रहा है गार्लैंड बन रही है छोटी सी माला एक ब्रेसलेट टाइप बन रहा है और वो हम यूज कर रहे हैं फ्लावर को और उसी तरह से हम अर्थ से अपने आप को बाइंड कर रहे हैं बाइंड मीन्स उससे जोड़ रहे हैं कर रहे हैं उससे बांध रहे हैं अपने आप को बांधना इन द सेंस उससे जुड़ना तो हम क्या कर रहे हैं हम हर दिन आने वाले हर दिन में हम क्या करते हैं? करते हैं हैं अपने आप को कवर अर्थ की चीजों से अर्थ के फ्लावर्स से फ्लावर्स को यूज कर रहे हैं मीन्स नेचर को यूज कर रहे हैं अर्थ क्या है नेचर है दैट मीन्स हम नेचुरल थिंग्स को यूज करके अपने आप को नेचुरल थिंग्स से क्या कर रहे हैं कवर कर रहे हैं आगे बढ़ते हैं स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस Of the inhuman dearth, of noble natures, of the gloomy days, of all unhealthy and over ways, made for our searching. Yes, in spite of all, some shape of beauty moves away the pall from our dark spirits. Such the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस डिस्पॉन्डेंस का मतलब होता है डिप्रेशन जब आप दुख हो दुखी होते हैं डिप्रेस होते हैं तो डिप्रेशन uh, होता है इन ह्यूमन डर्थ इन ह्यूमन क्रूअल पर्सन डर्थ मीन शॉर्टेज तो कई इस बार हम हमारी लाइफ में डिप्रेशन होता है कई बार हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं एट द सेम टाइम कई बार ऐसे शॉर्ट इन्यूमन लोग भी होते हैं इन्यूमन चीज़ें होती हैं क्रूअल थिंग्स होती हैं हमारे साथ डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स नोबल नेचर्स का यहाँ पे मतलब है गुड पीपल शॉर्टेज होती है अच्छे लोगों की ऑफ द ग्लूमी डेज ग्लूमी मीन्स डल जो दुख देने वाले डार्क डेज होते हैं हम कहते हैं ना अंधेरी रातें अंधेरा मीन्स जो ऐसा होता है कि बहुत ही बुरा टाइम चल रहा है तो वो बुरा टाइम बुरे दिन भी आते हैं ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज अनहेल्दी मीन्स ऐसी चीज़ जो हमारे लिए अच्छी नहीं है सारा हर तरह के से डार्कनेस हो जाती है दैट मीन्स हम प्रॉब्लम से घिर जाते हैं मेड फॉर आर सर्चिंग येस स्पाइट ऑफ ऑल और हर जगह हम जहाँ भी सर्च करते हैं जहाँ भी हम कुछ भी काम करते हैं हमारी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं लेकिन इन सब प्रॉब्लम्स के होने के बावजूद स्पाइट ऑफ दैट मीन्स उसके बावजूद उसके का ऐसा होने के साथ ही सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पॉल पॉल का मतलब होता है स्प्रेड शीट स्प्रेड ओवर द डार्क डेड दैट इज़ डार्क क्लाउड तो मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब है फिर भी कुछ ऐसी ब्यूटी होती है जिसके कारण ये सारा जो काले बादल होते हैं हमारे लिए दैट मीन्स प्रॉब्लम्स होती है वो क्या हो जाती है मूव हो जाती है पॉल का मतलब यहाँ पर होता है एक ऐसी शीड जो किसी डेड के ऊपर स्प्रेड करते हैं या फिर अगर मैं आपसे कहूँ तो डार्क क्लाउड और इसका डीप मतलब होता है यहाँ पे फॉर्म के हिसाब से कि जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं अगेन दुख के बादल तो पोइट कहते हैं कि फिर भी कुछ ऐसी ब्यूटी होती है जो इन इन दुखों के बादल को क्या करती है मूव कर देती है मूव अवे दैट मीन्स हटा देती है फ्रॉम आर डार्क स्पिरिट्स हमारी जो डार्क स्पिरिट्स हैं अनहैप्पी लाइव हैं हमारी जो अनहैप्पी लाइफ है जिसमें हमें बहुत अनहैप्पीनेस है प्रॉब्लम्स हैं तो वो ब्यूटी को देखकर हम अपनी प्रॉब्लम्स को भूल जाते हैं जैसे क्या क्या सच the sun, the moon, trees old and young, sprouting a shady boon. Sprouting का मतलब होता है डेवलप करना और शेडी means शेड बून means गिफ्ट तो जैसे सन ट्रीज अब मून और जैसी शेड जैसे शेड हमको देखने को मिलता है कहीं छाँव हो रही है कहीं मीन्स जिन नेचर देखने को मिलता है तो उन सबको देखकर हम अपनी तकलीफ़ों को भूल सकते हैं और भूल जाते हैं अगर आप सोचिए आप कभी टेंस हैं आपकी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम हो रही है और आप एकदम अपनी विंडो ओपन करते हैं रूम की और आपको सामने बहुत ब्यूटीफुल सा व्यू दिखता है सीन दिखता है जैसे रेनी सीजन होता है तो उस टाइम या कभी इवनिंग के टाइम पर जो आपका सीन होता है जब में आप थोड़ी सी लाइट होती है हल्की सी ऑरेंजिश होता है या कोई फ्लावर है कोई बर्ड आपके सामने आके बैठ गई तो आप अपनी प्रॉब्लम को भूल जाते हैं थोड़ी देर और उस ब्यूटी को एंजॉय करने लगते हैं तो पोइटी ये बोल रही है कि इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी हम इन ब्यूटीफुल थिंग्स को नेचर को देखकर इन सब दुखों को इन सब प्रॉब्लम्स को हम भूल जाते हैं अब आप यहां देखेंगे ओल्ड और यंग अपोजिट वर्ड यूज हुए हैं तो जब अपोजिट आइडियाज यूज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं एंटीथिस इस चीज का ध्यान रखिएगा आप लोग ओके आगे बढ़ते हैं ये फिगर ऑफ स्पीच एंटीथिस जहाँ अपोजिट आइडियाज को मेंशन किया जाता है For simple sheep and such are daffodils with the green world they live in and clear rills, that for themselves a cooling covert make, gains the hot season the mid forest break, rich with a sprinkling of fair musk rose blooms, and such too is a grandeur of the dooms, we have imagined for the mighty dead, All lovely tales that we have heard or read. Ab ye jo मीन्स uh, जो नेचुरल थिंग्स हैं ये सब किसके लिए होती है हमारे लिए भी होती है एट द सेम टाइम जो सिंपल शीप होती है जो शीप होती हैं या फिर दैट मीन्स एनिमल्स के लिए भी हैं ये नेचर फ्लावर्स सच आर फ्लावर्स और उसी तरह के फ्लावर्स हैं जो हमको हैप्पीनेस देते हैं विद द ग्रीन वर्ल्ड लिव और जिस वर्ल्ड में जो ग्रीन वर्ल्ड में वो रहते हैं ग्रीन वर्ल्ड मीन्स नेचर अगेन जहाँ फ्लावर्स हैं ट्रीज हैं ओके सो दिस इज ग्रीन वर्ल्ड जो नेचर है उसमें वो रहते हैं एंड क्लियर रिल्स रिल्स मनस होता है स्ट्रीम्स जो झरने होते हैं छोटे छोटे तो स्ट्रीम्स को देख कर मीन्स आप अपनी प्रॉब्लम्स इन सब को देख कर भूल जाएंगे इन ब्यूटिफुल फ्लावर्स को देखकर डेफोडिल यहाँ पर आपको फ्लावर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्वियसली डेफोडिल इज अ फ्लावर तो फ्लावर्स मीन्स नेचर को देख कर भूल रहे हैं भूल जाएंगे अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दैट फॉर देम्स इज अलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन और जो क्लियर रिल्स से जो स्ट्रीम्स हैं वो क्या करती हैं कोवड का मतलब होता है कि नॉट ओपनली या थिंक बुशस मीन्स जो थोड़ी सी इकट्ठी uh, होती हैं और एकदम खुली खुली नहीं होती है थोड़ी सी क्लोज़ होती है एक दूसरे के पास होती हैं एक आप कह सकते हैं जो झाड़ियाँ होती हैं तो एक दूसरे से कैसे वो लगी हुई रहती हैं तो ऐसा नहीं कि अलग अलग तरह अलग अलग जगह एक एक प्लांट लग रहा है या अलग अलग जगह एक बुश वो एक है वो कम्प्लीटली सारी इकट्ठी होती हैं झाड़ियाँ तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं पोइट कि ये जो क्लियर रिल्स हैं या ये जो नेचर है दैट फॉर देम सेल्व कूलिंग कोवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन तो जब गर्मी का सीजन होता है तो ये जो रिल्स हैं जो पानी की स्ट्रीम्स हैं वाटर स्ट्रीम्स हैं ये क्या करती हैं अपने लिए एक कूलिंग कोवर्ट बनाती हैं एक ऐसा एरिया एक ऐसा शेल्टर बनाती है जो ठंडक देता है ऑब्वियसली अगर आप कभी नदी के पास जाओगे नदी के पास आप बैठोगे या वाटरफॉल के पास बैठेंगे या स्ट्रीम्स के पास बैठेंगे तो आपको ठंडक लगेगी दो इट मे बी अ काइंड ऑफ समर सीजन अगर ऐसा हॉट सीजन भी है काइंड ऑफ हॉट सीजन है या समर सीजन है उस टाइम भी अगर आप इन वाटरी बॉडीज के पास बैठेंगे तो आपको कूलनेस लगेगा मीन्स आपको ठंडक लगेगा तो पोइट क्या कह रहे हैं कि वो मीन्स क्लियर रिल्स जो हैं वो क्या करती हैं वो अपना शेल्टर कूल cool रखती हैं चाहे अगेंस्ट का मतलब है अगेंस्ट उसके अगेंस्ट हॉट सीजन के अगेंस्ट हॉट सीजन के होने के बाद भी वो अपने शेल्टर को क्या करती है ठंडा रखती है द मिड फॉरेस्ट ब्रेक ब्रेक का मतलब होता है यार की क्वर्ड ब्रेक और इसका मतलब होता है फोन स्मॉल प्लांट्स होते हैं तो द मिड फॉरेस्ट ब्रेक फॉरेस्ट के बीच में जो ये ब्रेक्स होते, है, होते, है, होते हैं स्मॉल प्लांट्स होते हैं फोन होते हैं रिच विद स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम्स मस्क रोज एक ऐसा फ्लावर होता है जिसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है तो उसके साथ में क्या होता है वो अपनी जो खुशबू है वो हर जगह फैलाता है जब वो ब्लूम करता है ब्लूम करना मीन्स खिलता है तो जब फ्लावर ब्लूम करता है मस्क रोज तो वो क्या करता है अपनी जो खुशबू है वो हर जगह स्प्रिंकल करता है स्प्रिंकल मीन्स फैला देता है स्प्रेड करता है एंड सच टू इज द ग्रैंडियर ऑफ़ द डूम्स डूम्स का मतलब होता है ग्रेट पीपल जब ग्रेट पीपल ये पूरा देखते हैं हम डूम्स वी हैव इमेजिन फॉर द माइटी डेड डैड और लवली टेल्स दैट वी हैव हर्ड और रेड दैट मीन्स ऐसे डूम्स ऐसे ग्रेट पीपल जो अब नहीं हैं और अब नहीं है एट द सेम टाइम जिन्होंने माइटी काम किया माइटी डेड है दैट मीन्स वो महान रह चुके हैं ऐसे लोग जो अब एक्सपायर हो गए अब नहीं है इस दुनिया में ऐसे हीरोज जिनकी कहानियाँ हमने सुनी हैं जिसकी कहानी हमने पढ़ी है टेल्स का मतलब होता है कहानियाँ तो जैसे हम नेचर को देख रहे हैं उसी तरह हम उन महान हीरोज़ की महान मीन्स जो फाइटर्स रह चुके हैं जो ब्रेव पर्सन रह चुके हैं जो पर्सनालिटीज ब्रेव रह चुकी हैं उनके बारे में भी हमने कई बार पढ़ा है कई बार हमने उनके बारे में सुना है तो क्या होता है उनको देखकर भी हम हम क्या करते हैं उनको देखकर भी इंस्पायर होते हैं तो हम उनको उनके बारे में सोचकर अपनी जो लाइफ होती है अपनी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स होती है उसको हम क्या करते हैं भूल जाते हैं तो पोइट ये कह रहे हैं कि जो मीन्स ऐसे लोग हैं जो ग्रेट हीरोज़ रह चुके हैं उनकी लाइफ से भी हमको काफ़ी चीज़ें सीखनी चाहिए और उनकी लाइफ हमारे लिए एक तरीके से आप कह सकते हैं कि वो ब्यूटी है देखिए वो तो डेथ उनकी डेथ हो गई लेकिन जिस तरह से उन्होंने फाइट किया जिस तरह से वो अपने आप को ग्रैंडियर बनाया तो उनको हम हमें क्या करना चाहिए उनको हमें ऑनर देना चाहिए हमें उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने अपनी लाइफ में हासिल किए जो भी अचीवमेंट्स उन्होंने किए हैं तो वो सब हमें क्या करना चाहिए हमें उनको वर्शिप करना चाहिए कि हाँ उन महान लोगों ने भी इतना काम किया है जैसे भगवान भी उनको उनके अच्छाई के कारण उनको क्या करेंगे रिवॉर्ड देंगे उसी तरह हमें भी उन्हें इतना ही अचीवमेंट इतना अचीव करने के लिए इतना कॉन्ट्रीब्यूशन देने के लिए हमें क्या करना चाहिए उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए उनका ऑनर करना चाहिए क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया है और उन्होंने अपनी लाइफ में सबसे अच्छे काम किए हैं इसीलिए वो आज नहीं है हमारे साथ तो यहाँ पर उन लोगों की बात हो रही है जो कि महान थे जो ग्रेट पीपल थे अब इसमें कोई भी आ सकता है कितने ही लोग हमारी लाइफ हमारे इवन आप इंडियंस में देखेंगे तो कितने लोगों ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की है कितनी चीज़ों के लिए हमारी फ्रीडम फाइटर्स देख लीजिए हमारे जॉर्ज सोल्जर्स हैं आर्मी मैन हैं ये सब हमारे लिए कितना कुछ करते हैं तो ये हमारे माइटी हीरोज हैं ये ऐसे पर्सन ऐसी पर्सनालिटीज थी जिन्होंने हमारे लिए अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की तो हमें क्या करना चाहिए उनकी सेक्रीफाइस uh, को ऑनर देना चाहिए दैट मीन्स उनको रिस्पेक्ट करना चाहिए उनको सम्मान करना चाहिए तो ऐसा पोइट कहते हैं एन एनलेस फाउंटेन ऑफ एमोटल ड्रिंक Pouring unto us from the heaven's brink. Nor do we merely feel these essences, for one short are no one as the trees. That whisper round a temple becomes soon dear as the temple self, so, the, so does the moon. So, uh, poet the moon. endless fountain of immortal ring. Immortal ka living forever. So, agar Hindi amrit. तो ऐसा लगता है कि एंडलेस फाउंटेन ये जो नेचर है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे एक ऐसा फाउंटेन है ऐसा फमारा है फाउंटेन है जिसमें से क्या गिर रहा है इमोटल दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि अमृत गिर रहा है और वो कहाँ से गिर रहा है वो अमृत वो फाउंटेन कहाँ से गिर रहा है वो फाउंटेन गिर रहा है हेवन के ब्रिंक ब्रिंक मीन्स एज तो ऐसा लग रहा है कि स्वर्ग से हमारे लिए अमृत गिर रहा है और वो अमृत क्या है यहाँ पर इमोटल रिंक क्या है इमोटल ड्रिंक यहाँ पर आपका नेचर है नो डू वी मेयरली फील दिस दिसेंस एसेंस का मतलब होता है बेसिक जो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जैसे हम बोलते हैं ना किसी चीज का एसेंस है तो एसेंस मतलब वो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक जो होती है बेसिक तो नोट डू वी मेयरली फील दिस हम सिर्फ इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को इनकी इंपॉर्टेंस को फील नहीं कर रहे हैं फॉर वन शार्ट आर एक छोटे से थोड़ी सी देर के लिए हम सिर्फ इनकी Uh, महत्व को या इनके इंपॉर्टेंस को फील नहीं कर रहे हैं नो इवन एज द ट्रीज़ दैट विस्पर राउंड टेम्पल बिकम सून और वो क्या कह रहे हैं कि जो ट्रीज होते हैं जो टेम्पल के आसपास भी रहते हैं तो वो अगर विस्पर भी करते हैं विस्कर विस्पर का मतलब धीरे धीरे बोलना बहुत धीरे धीरे मोमरिंग का जो रहता है कान में हम बोलते हैं ना किसी को फुस फुसाना तो वो विस्पर तो ट्रीज़ जो हैं अगर वो टेम्पल के आसपास भी हैं और वो क्या कर रहे हैं विस्पर कर रहे हैं बिकम सून डियर एज द टेम्पल सेल्फ तो टेम्पल टेम्पल में कौन रहता है भगवान राइट हू हाउज इज टेम्पल गॉड्स हाउस ओनली राइट तो जैसे भगवान टेम्पल में रहते हैं तो भगवान टेम्पल को अपना मानते हैं उसी तरह जो आस पास के ट्रीज हैं वो ट्रीज जब रिस्पर करते हैं टेम्पल के आसपास तो टेम्पल वो अप ट्रीज़ को अपना डियर मानने लगता है डियर मीन्स अपना जो आप कह सकते हैं कि जो आपको बहुत प्रिय होता है द वन हुज डियर टू यू जो आपको बहुत आपके दिल के करीब होता है सो दैट इज द पोट इज से आस पास विस्पर कर रहे हैं ट्रीज तो इस कारण से टेम्पल ने उन ट्रीज को अपना डियर माना है सो डज द मून और इसी तरह उन्होंने मून को दैट मीन सारी नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को भी भगवान क्या करते हैं अपने मन के करीब मानते हैं अपने डियर मांगते हैं वो उनके प्रिय हैं द पैशन ग्लोरी द पैशन पोसी क्लोरिफाइज इनफिनाइट Haunt us still, they become a cheering light unto our souls and बॉन्ड to us so fast that whether there be shine or gloom or cast, they always must be with us. और बेटा है द पैशन पोजी पैशन पोजी का मतलब होता है पैशन का मतलब होता है इंटेंस फीलिंग हमें हमें होता है ना पैशन किसी चीज़ के लिए हम है बहुत ज़्यादा हमारी इच्छा है उस चीज के लिए तो फीलिंग होती है और पोजी का मतलब होता है poetry तो ये जो ऐसी poetry है जो पूरी पैशन पे बेस्ड जो फीलिंग्स पे बेस्ड है ऐसी पोएट्री देखिए ना ये जो पोएट्री है पूरी फीलिंग्स पे बेस्ड है क्या फीलिंग है पोइट की नेचर के लिए क्या फीलिंग है पोइट की उन माइटी हीरोज़ के लिए जो डेड हो चुके हैं डेड हीरोज़ के लिए उनके ग्रैंडियर के लिए उनकी महानता के लिए या क्या फीलिंग है पोइट की उस ट्री के लिए जो टेम्पल के पास है तो ग्लोरीफाइज इन्फेनाइट इन्फिनाइट का मतलब होता है एंडलेस जिसकी एकदम कोई लिमिट नहीं होती है तो ग्लोरी का मतलब होता है ग्रेट ब्यूटी तो ऐसी ब्यूटी जिसकी कोई लिमिट नहीं है हॉन्ट आर स्टिल दे बिकम अ चेयरिंग लाइट हॉन्ट का मतलब होता है हमारे साथ रहना अपना एहसास दिलाते रहना टू रिकर दैट इज़ हाँ टू रिकर कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली हमें अपनी अपना आभास दिलाते रहना कि हाँ मैं हूँ नेचर इज देयर तो वो हमको तब तक हॉन्ट करते हैं जब तक कि दे बिकम अ चेयरिंग लाइट दैट मीन्स वो जब तक चेयर नहीं करते हमको हमको खुश नहीं करते तब तक वो हमको अपना एहसास दिलाते हैं लाइट अन टू souls सोल्स एंड to टू so सो फास्ट और वो हमारे सोल पर हमारे जो हमारा सोल होता है हमारी जो आत्मा होती है उसमें क्या करते है? उस means, हैं उस पर वो चेयरिंग लाइट दैट मीन्स ऐसी रोशनी दे डालते हैं जिससे हम खुश हो जाए तो तब तक जब तक हम उससे खुश नहीं होते तब तक वो हमको अपने होने का एहसास दिलाते हैं एंड टू अस सो so फास्ट और हमको अपने आप से इसे बाउंड कर लेते हैं अपने आप से जोड़ लेते हैं दैट वेदर देअर बी शाइन और ग्लूम और कास्ट ऐसे बाइंड कर लेते हैं अपने आप से ऐसे जोड़ लेता है नेचर हमें अपने आप से कि अगर हमारी लाइफ में शाइन है हमारी लाइफ में सब अच्छा है या ग्लूम ग्लूम अगेन उदासी छाई हुई है हर जगह दे ऑलवेज मस्ट बी विद अस वो हमेशा हमारे साथ होते हैं और ई वी डाई यहाँ तक कि हम नहीं रहते तब भी नेचर रहेगा हम कल नहीं रहेंगे तभी नेचर रहेगा और जब तक हम हैं तब तक नेचर हमें अपने होने का एहसास दिलाएगा एट द सेम टाइम हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उस उन प्रॉब्लम से अगर हम घिरे हुए हैं तो नेचर हमें क्या देगा चेयरिंग लाइट शो करेगा दैट मीन्स हमारे जो दुख के बादल है उनको क्या करेगा मूव कर देगा तो आई होप आपको जो पोम है वो समझ में आई होगी इट इज रिटन बाय जोन की